दिखाते हैं तेल का खेल और आपका कैसे होगा इस बिजनेस से मेल। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योरवॉइस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। रोजगार की तलाश में दोस्तों आज हम पहुंच गए पटना, और पटना के पहुंचे हैं उर्मिला हेल्थ वेल फूड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में, और यहां मुलाकात कराने सरोज जी से। सरोज जी पूरा बताएंगे डिटेल में कि क्या इंडस्ट्री है, आपको जुड़ के इनसे कैसे और कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है, लोगों का इससे जुड़ के कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। मेरा कंपनी का नाम है उर्मिला हेल्थ वेल फूड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जी। ये मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी प्रोडक्ट बनाते हैं जी, और इसमें हम लोग करीब करीब 200 से 250 आदमी का रोजगार देते हैं जी, और डेली 24 आवर चलता है। तो गाइस आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ कच्ची घानी का तेल बनता है, और YouTube का पूरे YouTube पे ये पहला वीडियो है कि तेल कैसे बनता है, उसका हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। इनका इंडस्ट्री भी दिखाएंगे, इनकी फैक्ट्री भी दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और डिटेल में हम जानकारी लेने के लिए चलते हैं अंदर, और थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते हुए चलते हैं अंदर। तो सर बताते जाइए क्या है और कैसे है। ये मेरा फैक्ट्री अभी रन है जी, आप अंदर आके देख सकते हैं जी। तो सर बताइए यहाँ पे आप क्या दिखाने वाले हैं। ये मेरा कंपनी के अंदर आ गए जी, यहाँ पे स्टॉक है जी, सरसों का स्टॉक है जी, और यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सरसों डाल रहा है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। अच्छा। यहाँ पे ये कन्वेयर में जाता है, कन्वेयर से फिर चलना है, इसको चाल के डस्ट को अलग करता है। हम चाहेंगे सर इसको नजदीक से थोड़ा सा दिखाइए कि हम आसानी से देख पाए। आ जाइए, ये देखिए यहाँ सरसों काट रहा है, ये सरसों यहाँ पे काट दिया, ये कन्वेयर फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चले जाएगा कन्वेयर में। अच्छा। कन्वेयर से फिर ये चलना में आता है। अच्छा। यहाँ चलना से चाल के डस्ट को बाहर फेंक देता है जी, और फ्रेश ये टैंक में वापस आ जाता है। अच्छा। ये फ्रेश मटेरियल आ गया, यहाँ से कन्वेयर के थ्रू फुल्ली ऑटोमेटिक है जो चारों तरफ रन करते रहता है। आप ये बाजू आइए, ये बाजू आपको दिखाते हैं कि कैसे रन करता है। तो गाइस यहाँ तक हमने दिखाया है कि सरसों को कैसे यहाँ से उसको साफ किया जा रहा है। आगे चल के बताएंगे कि कोल्हू से कैसे आपको ओरिजिनल कोल्हू का तेल बनता है, कैसे मिलता है। तो गाइस चलिए हमारे साथ और चलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे, और आगे दिखाते हैं हम आपको कि कच्ची घानी आखिर बनता कैसे है। पूरे YouTube पे ये पहला वीडियो है कि किसी ने कच्ची घानी तेल कैसे बनता है, उसका पूरा डिटेल देने के लिए। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नई नई इंडस्ट्रीज, नई नई कंपनी को आपके सामने कैसे लाएं और किस तरीके से लाएं। हम लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के नई नई इंडस्ट्रीज को आपके सामने उभरते हुए रोजगार को, उस स्वरोजगार को कैसे आप तक हम पहुंचा पाए। हम पूरी ताकत से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस पहुंच गए अब इनके हम अगले शेड में। सर से यहाँ पे पूरी जानकारी लेते हैं। ये देखिए ये पूरा कन्वेयर है चारों बाजू जी, ऊपर ऊपर में जो सरसों रन करते रहता है ठीक है, जिसमें जिसको जितना जरूरत कोल्हू को पड़ता है हाँ। वो कपड़े के थ्रू लेता है और बंद कर देता है। हम तो नजदीक से इसको भी देखना चाहेंगे। आइए आइए, कोल्हू में सरसों ऐसा घूमता है और ये पूरा लकड़ी का है ठीक है, पूरा कच्ची घानी बोले तो लकड़ी में ही पूरा पेरता है। अच्छा। और इधर से देखिए, इधर से तेल निकलता है नीचे जी। ये टैंक है, चैनल है, चैनल के थ्रू टैंक में जाता है तेल। अच्छा। ये पूरा चारों बाजू सरसों घूमते रहता है, यहाँ से एक कपड़े से हाँ। ये लेता है। अच्छा। ये ऐसा लिया हाँ। देखिए सरसों आ गया जी, ये लिया जितना। ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है या कैसे है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अच्छा। ये जितना सरसों लिया हाँ। उसके बाद ये बंद कर दिया, बंद करके फिर कपड़ा लगा दिया। अच्छा। हाँ, ये सरसों आ गया तो मतलब ये वहाँ से साफ होने के बाद यहाँ पे आ रहा है। हाँ, पूरा क्लीन होके टैंक में जाता है जी। और टैंक से फिर कन्वेयर के थ्रू चारों बाजू घूमता है। अच्छा। जिसको जो कोल्हू को जितना चाहिए उतना। अच्छा। सरसों ले लेता है ठीक है। हाँ, इसे फिर ये पूरा चलता है। अच्छा। उस टाइम तक चलता है कि जिसने तेल पूरा ये निकल जाए। अच्छा। ये तेल निकलने के बाद ये पूरा ये बचा जो बेस्ट वो मटेरियल बचा वो इसमें डालता है। अब हम दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि हम अपने साथी सहकार से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाएं कि ये क्या है और इससे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से तेल निकल गया, इसके बाद क्या उसका वेस्टेज निकलेगा क्या? वेस्टेज नहीं है, जो इसमें ये मटेरियल में जो जितना सरसों जितना तेल निकलना था वो निकल गया जी। और जिसमें जो बचा जी, इसमें जो परसेंटेज तेल बचा जी, इसको हम लोग ट्रॉली के थ्रू, ये ट्रॉली है। अच्छा, ये ट्रॉली है, ये वह ट्रॉली है। ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस है? ये चैनल है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पे डाल दिया और इसके थ्रू चले गया ऊपर कन्वेयर। अच्छा। से कन्वेयर से चले गया स्पेलर में। स्पेलर में हाँ, तो स्पेलर को भी हम देखना चाहेंगे। आइए, यहाँ पे पूरा पेरते हुए फिर यहाँ से खल निकलता है। अच्छा। ये खल, इसमें परसेंटेज ऑफ तेल कम से कम 6% रखना रहता है, 6 से 7%। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें तेल उसमें छोड़ना रहता है। अच्छा। ये फाइनल केक हो गया। अच्छा। तो आप आइए, आपको दिखाते हैं इसका फिल्टर कैसे होता है। अच्छा, ये फिल्टर है जी। अभी आप देख सकते हैं कि इधर से स्पेलर का तेल आ रहा है जी, और इधर से कोल्हू का तेल आ रहा है।
जो कोल्हू से निकला है ये टैंक है जी। इसमें हम लोग ये दोनों को फिल्टर करते हैं, ये फिल्टर है, ठीक है, ये दोनों को पंप करके फिल्टर से तेल निकलता है, जो आप देख सकते हैं जी। जो तेल निकल रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट वो टैंक में जाता है। अच्छा। और वहाँ से पंप करके ले जाते हैं पैकेजिंग एरिया में, पैकेजिंग में जहाँ की पैकेज होता है। अच्छा। आपको आगे दिखाते हैं पैकेजिंग कैसे होता है। तो सर आपका पर डे कितना कैपेसिटी है? पर डे 6 टन कैपेसिटी है फर्स्ट शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 8 आवर। अच्छा, कितना शिफ्ट चलता है? अभी तो एक ही शिफ्ट चल रहा है जी, लेकिन अगला 15 अप्रैल से डबल शिफ्ट चालू कर देंगे। अच्छा, ये इंडस्ट्री लगाया कब था आपने? ये लगाए थे पिछला 1 साल हो गया जी, कोरोना से थोड़ा डिले हो गए हम लोग, मतलब नहीं तो बहुत पहले हम लोग चालू कर लेते, लेकिन कोरोना के कारण 1 साल हम लोग डिले हो गए। अच्छा। अभी जस्ट हम लोग 17 जनवरी को इसको चालू किए हैं जी, और चालू किए हैं तब से रन चल ही रहा है। अच्छा, ये आपको दिमाग कहाँ से आया इस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए? बिहार के अंदर अमूमन लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से हमको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ कि सरसों का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपने इस इंडस्ट्री को कैसे चुना और कैसे स्टार्ट किया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे सरसों नहीं है तो सरसों कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे और क्या कॉस्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे राजस्थान में ज़्यादा होता है तो राजस्थान में बहुत सारे प्लांट है, राजस्थान का माल यहाँ पे आता है तो हम ही राजस्थान को भेज सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जी। सब जगह अवेलेबल है जी। जो भी है जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है वो हम लोग एडजस्ट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ तक हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, अब चलते हैं इनके पैकेजिंग यूनिट्स को देखते हैं कैसे पैकेजिंग होता है और आपको जुड़ के इनके साथ कैसे रोजगार मिलेगा। गाइस, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप इनके साथ जुड़ के रोजगार कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं इनके पैकेजिंग यूनिट्स की तरफ। देखिए, ये मेरा पैकेजिंग एरिया है जी, आप आ गए मेरा पैकेजिंग एरिया में। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोतल देखिए किस तरह से भरा रही है, टीन भर के पैक है, ये ऑलरेडी पैक है। अच्छा। ये देखिए पैक होकर 15 लीटर का है, ये 15 लीटर का है और पैक होकर स्टैक कर दिया जी जी। ये देखिए 1 लीटर का बोतल भरा रहा है। अच्छा, देखिए ये चाहेंगे नजदीक से देखना चाहेंगे क्या ये तेल यहाँ से आ रहा है मतलब पाइप के? हाँ, वो टैंक है, टैंक से इधर पाइप के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। देखिए ये 1 लीटर का भरा रहा है। अच्छा। उधर देखिए, उधर ये पैक कर रहा है, यहाँ पैक करके उधर स्टैक कर रहा है। अच्छा। यहाँ तो पे आप एक और देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये हो रहा है ना, ये पाउच मशीन का है, ये फुली ऑटोमेटिक पाउच मशीन है। अभी इसको देख लेते हैं। हाँ, तो आपको अभी दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ पैकेजिंग कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 लीटर बोतल भर रहा है, यहाँ पे बॉक्स में डाल रहा है, गिनती करके एक बॉक्स में 12 बोतल रहता है और 1 लीटर वाली, हाफ लीटर वाली 24 रहता है। और ये देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि के सामने रन हो रहा है, जो पाउच है 1 लीटर वाली, और ये भी एक बॉक्स में 15 को डालते हैं, 15 नंबर का एक बॉक्स होता है, और ये भी देखिए स्टैग हो रहा है इधर। अच्छा, ये स्टैग होके फिर ये जिसको जाना है, हाँ ये रेडी टू गो है। अच्छा अच्छा, तो आज हमने आपको दिखाया है कि कच्ची घानी तेल कैसे बनता है, इस पूरे इंडस्ट्री को दिखाया है, और ये YouTube का पहला वीडियो है जिसके अंदर कच्ची घानी तेल किस तरीके से बनाया जाता है ये हमने आपको दिखाया है इस वीडियो में। अगर संपर्क करना चाहते हैं सर से तो उनके दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा, और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं हमसे और हमारी टीम से तो दिए गए मेल पर मेल करिए और हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और आपके पास जो कोई ऐसी नई इंडस्ट्री, कोई नई फैक्ट्री, कोई नई कंपनी है तो हम आपके पास वादा करते हैं, आपके पास आके वीडियो बनाएंगे और हम लगातार वो इंडस्ट्री, वो दबी हुई इंडस्ट्री, वो दबी हुई फैक्ट्रीज, वो कंपनी जिसका किसी ने एडवर्टाइज नहीं किया उस कंपनियों को हमने आगे लाया है, उस कंपनियों का हमने वीडियो बनाया है। उसके बाद कई यूट्यूबर जाके वीडियो बनाते हैं। चैनल मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य हमने नहीं बनाया है, हमने किसी से भी आज तक कोई पैसा नहीं लिया है, किसी वीडियो के लिए किसी से हमने एक पैसे की भी डिमांड नहीं की है। आपके पास भी अगर कोई अच्छी इंडस्ट्री है जिसको बताया जा सकता है, पब्लिक तक दिखाया जा सकता है तो हमारे दिए गए मेल पर संपर्क करिए। और गाइस, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में तेल कैसे बनता है बताया है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको चाहूंगा बोलना थैंक यू, बाय बाय।